इंदौर विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दुकानदार को अपना नाम दुकान के सामने लिखना अनिवार्य करने का आग्रह किया है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने विधायक मेंदोला की बात का समर्थन करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि रमेश मेंदोला ने बहुत सुंदर पत्र लिखा है, हम सभी को अपने नाम और संस्कृति पर गर्व है। कांग्रेस जो इस पत्र पर तुष्टिकरण की राजनीति ढूंढ रही है, उन्हें पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 2006 और 2011 में जो कांग्रेस ने फूड प्रोटेक्शन के तहत नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें नाम को सार्वजनिक करने की बात कही गई थी, उसमें कौन सा एजेंडा और कौन सी रणनीति थी। उन्होंने कहा कि दुकान पर अपना नाम लगाने की इस पहल से लोग अपने नाम को रोशन करने के लिए अच्छा काम करेंगे और इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। रमेश मेंदोला जी ने एक बहुत ही सुंदर पत्र लिखा है और चाहे आप हो चाहे मैं, हम सभी को अपने नाम पर, अपने संस्कार पर, अपनी संस्कृति पर गर्व है। कांग्रेस जो इसमें तुष्टिकरण की नीति को ढूंढ रही है, जो ध्रुवीकरण की नीति को ढूंढ रही है, उन्हें सबसे पहले आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 2006 और 2011 में जो कांग्रेस ने नोटिफिकेशन निकाला था फूड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जिसमें नाम को सार्वजनिक करने की बात कही गई थी, वहां पे कौन सा एजेंडा था, वहां पर कौन सी रणनीति थी। मुझे लगता है कि इससे एक पॉजिटिव, एक कॉम्पिटेटिव प्रतिस्पर्धा बनेगी और सभी लोग अपने कार्य को, अपने नाम को रोशन करने के लिए, अपने कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।